लोग सोच रहे हैं। सूरज भी सोच रहा था, उसने सोच कर जवाब दिया कि भाई जो स्वयं के लिए श्रेष्ठ होता है वही सबसे। पर कैसा पर्दा पड़ा है आपके महाबली के विचारों का, महाबली की दुनिया में, महाबली के शासन में किसी और विचार या मन पड़ गया। उसने कहा, अरे लेकिन बंधु तुम क्यों कोशिश करते हो, क्या ये तुम्हारा अहंकार नहीं? रहीम ने बोला, वापसी पता नहीं, छीन कटारी हाथ से क्षणभंगुर जीवन खत्म कर डाला। विलाप चेहरे का रंग निखर आया, खूबसूरत युवती का रूप लिया। खुशी तो थी पर समाज का डर भी था, उस डर में वो घर उग आया घना वृक्ष वहां। चलो रहीम, इस वृक्ष से पूछे हमारी अगली कड़ी कहां। इंसान अपने साथ 50-100 साल का इतिहास लिए घूमता है, पर वृक्ष तो अपनी तब से ही चिड़िया आंखें बीच कप कपा रही थी। आंखों के पीछे अंधेरा है, अंधेरे में रंगता एक मेला है। वो कानों को भूते टॉट कसी, अरे कम से कम तुम्हें सुनाई तो वो देता है जो असलियत में होता है। मुझे तो बंद होकर भी मनस पटल पर वो सब दिखता है जो असलियत में नहीं होता। उस देर में कुछ शब्दों ने कानों पर दस्तक दी। चिड़िया ने आश्चर्य से आंखें, चुग्गा तो असली है, खाने लायक भी, पानी भी सच्चा है, पीने लायक भी, घर में जीवन सामान्य है, बाहर चहल पहल भी वैसी ही। तभी पास से झगड़े की आवाज आई, उस पर हंसते दो लड़कों की हंसी आई। नीचे से पूजा की घंटी बजी, प्रेम में डूबे जोड़ों की खुशखुशाहट आई, बच्चों की किलकारियां आई, बूढ़ों की नसीहतें आई। चिड़िया खुशी के मारे अपने सूखे पेड़ पर लौट आई। अब क्या है भाई साहब, वक्त बड़ा तेजी से गुजरता है, रोमांच में जो है उम्र सब करीब से देख पाती है। इन बूढ़ों में से कोई गुजरा नहीं, इन बच्चों में से कोई बड़ा नहीं हुआ, बस बार बार जीते हैं। ना वक्त आगे बढ़ रहा है, ना ही कोई किस्सा, गर्भवत भी ठहरा है और ठहरा है जीवन भी। अगर आज का दिन जैसा वैसा ही, अंतिम दिन भी तो आज ही का दिन अंतिम क्यों ना हो। कहां है ऐसा कहर टूटा मासूम से चिड़िया पर कि दर्द बांटने वाला भी कोई न था। आंखों में पानी भर आया, जैसे ही आंखों से पेड़ से अश्रुओं में भीग गई, लबालब डूबते आंसुओं से टहनी पत्तियों सी भर गई। तुमने हमें जन्म दिया और तुमने दी काया, तुम्ही हमारी रचयिता, तुम्ही हमारी माया। न कोई किसी का रचयिता है, न कोई किसी की रचना, रचना रचती स्वयं को है, रचनाकार तो बने बस जरिया, पर कौन रचता खेल सृष्टि का, कौन अवसर से पांव विदेशी हो जाए, लेकिन कल्चर देसी होना चाहिए। तो चलो भाई, गांधी हमारा कल्चर है, वो हमारा कल्चर, अरे नहीं नहीं कल्चर थोड़ा पुराना होना चाहिए।